सारी चीजें करेंगे। देखिए गिरफ्तारी में लेके कल मेरी मीटिंग हुई थी कुछ बीजेपी के लोगों से भी, उनको हमने ये कहा कि आप इसमें क्रिमिनल एक्ट में मत जाओ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओ आप। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे तो सीधे जेल में जाएगा डीएलएफ का मालिक, लेकिन क्रिमिनल में ये बच के निकल जाते हैं। जानबूझ के वो ऐसे सेक्शन इस्तेमाल करते हैं कि दो मिनट में इनकी जेल से बेल हो जाए और ये लोग बाहर घूम जाए, और मृतकों ने पहले कौन सबसे बड़ी मछली, फिर उससे छोटी मछली को देते हैं, फिर उससे छोटे मछली, आते आते नीचे एससी एसटी ओबीसी के आदमी को ही इन्वॉल्व कर देते हैं। ये खुद ही कहते हैं कि ये लोग थे जी, ये लोग थे जी। वो सारा मसला आपके आगे चल ही रहा है। अगर ये नहीं होती है इस हफ्ते में, अगर ये नहीं होती तो हम जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी करेंगे और दिल्ली बंद भी करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हम समाज के लोगों के साथ करें। अभी हम लोगों ने मीटिंग करनी है आज एक, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्या करते हैं। हम लोगों ने केजरीवाल से भी मुलाकात की थी कई दिन पहले, तो उन लोगों का भी कोई स्पष्ट सा जवाब नहीं था। ऐसा लगता कि मतलब कोई सेंसिटिव है ही नहीं इस मुद्दे पे, संवेदनशीलता है ही नहीं। देखिए जो ये ड्रामा करते हैं बेहतर शिक्षा का, बेहतर स्वास्थ्य का, है ना, बेहतर बिजली पानी का, आप पब्लिक में जाओ आपको पता चल जाएगा क्या माहौल है। हॉस्पिटलों में जाके देख लो, मैं कल अपने खुद अपने पिताजी को एम्स लेके गया हुआ था, मैं 3 घंटे खड़ा रहा था और फिर वो डॉक्टर उठ के चला गया, क्योंकि हमें तो वो एंटरटेन भी नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं। और आप जाके हमारे दफ्तर में बैठ के देख लो आप, इतने इतने बिल आ रहे हैं पानी के बहुत ज़्यादा, बिजली के इतने चार्ज बढ़ा दिए हैं, बहुत बुरा हाल है। देखिए मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी सामाजिक काम में हैं, आप इबादत से पूरी मेहनत से थोड़े से दिन समाज की दलाली करना बंद कर दो, अपने समाज के लिए दिल से गहराई से सोचना शुरू कर दो, हमारे समाज का शोषण बंद हो जाएगा। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे ना तो इनकी औकात क्या है ये लोग हमारे लोगों के लिए काम ना करें।